हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हमारा जो स्टॉक सीरीज का पॉडकास्ट चल रहा है उसमें नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे एचसीएल टेक। तो हमने यहाँ ऑलरेडी विप्रो तक देख चुके हैं, लगभग 12 स्टॉक का एनालिसिस कर चुके हैं एज पर मार्केट कैप। तो नेक्स्ट स्टॉक आता है उस लिस्ट में, वो है एचसीएल टेक। तो एचसीएल टेक जो है, तो जब मैंने ये सीएसबी डाउनलोड की थी तब उसका जो भाव था वो 1125 रुपये चल रहा था और उसका मार्केट कैप था लगभग 3,05,000 करोड़ का और ये 13 नंबर पे आता है एज पर मार्केट कैप। तो चलो देखते हैं उसका चार्ट एनालिसिस करते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म उसमें क्या मौके हो सकते हैं वो ढूंढते हैं। तो आप देख सकते हो कि एचसीएल टेक जो है तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1193 पे बंद हुआ है, लगभग 1 रुपया ऊपर फ्लैट पॉजिटिव। और मंथली चार्ट पे आप देखोगे तो इस महीने के लिए एचसीएल टेक जो है तो लगभग 6% ऊपर ट्रेड कर रहा है। मार्केट जो है तो नेगेटिव में है मगर एचसीएल टेक जो है तो पॉजिटिव में गेंस दिखा रहा है। और यहाँ जो है तो मुझे लगता है कि यहाँ लॉन्ग टर्म एक रिवर्सल के, अर्ली रिवर्सल के साइन दिख रहे हैं चार्ट में। तो यहाँ देखना होगा कि हम पिवट के ऊपर सस्टेन कर पाते हैं कि नहीं। अगर सस्टेन कर पाते हैं तो हमारे जो टारगेट रहेंगे इस साल के लिए एचसीएल टेक में वो रहेगा 1400 रुपये, उसके बाद में 1500 रुपये और फाइनल टारगेट रहेगा 1700 रुपये। तो करंट लेवल से लगभग 500 रुपये के गेंस आपको दिखाई दे सकते हैं अगर रिवर्सल आता है तो। मंथली चार्ट प्राइस वाइज बुलिश है, इंडिकेटर वाइज अभी भी बेयरिश लग रहा है। यहाँ देखना होगा कि हम सस्टेन कर पाते कि नहीं। इस मंथ का जो क्लोजिंग है अगर ये लगभग 1200 रुपये के ऊपर आता है तो हमें जो है तो 1700 रुपये के लेवल जो है तो इस साल के अंत तक देखने को मिल जाएंगे एचसीएल टेक में। और यहाँ जो है तो मेजर जो सपोर्ट जोन है आप देख सकते हो कि ऑन मंथली चार्ट वो है 400 से 500 के बीच में। यहाँ तक तो स्टॉक आने की कोई संभावना नहीं लगती, मगर अगर स्टॉक किसी कारण में 700 या 600 के अराउंड आता है तो आपको बिल्कुल अच्छे खासे अमाउंट में इसको लेना है। जिन्होंने कभी लिया नहीं है उनके लिए सलाह होगी, अगर 600-700 के बीच में आता है तो आपको लॉन्ग टर्म के व्यू से एचसीएल टेक में एंटर करना चाहिए। ये तो मिनिमम 3-5 ईयर्स और आपका जो टारगेट रहेगा वो लगभग 2x-3x रहेगा अगले 5 साल में, मगर आपको एंटर करना है 600-700 के बीच में अगर किसी कारणवश आता है। अभी तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि वो आएगा, मगर कह नहीं सकते कि अगर जो वॉर की सिचुएशन है और हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं तो हमें नीचे के लेवल जो है तो एचसीएल टेक में देखने को मिल सकते हैं ड्यू टू लिक्विडेशन। वीकली चार्ट देखते हैं, तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो हमने 50 वीक का जो एवरेज है उसके अराउंड जो है तो सपोर्ट लेने के बाद अभी वहां से रिवर्सल दिया है, तो ये एक अच्छा खासा बुलिश साइन है मीडियम टर्म के लिए। जब तक जिनको ट्रेड करना है उनके लिए सलाह रहेगी कि जब तक एचसीएल टेक 1100 रुपये के ऊपर है लॉन्ग साइड बना के रखिए। मुझे लगता है कि अभी जो रिवर्सल आया है इसका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 1280 रुपये, तो करंट लेवल से आपको लगभग 80-90 रुपये का टारगेट ऊपर की तरफ मिल सकता है। आपको यहाँ बाय ऑन डिप्स व्यू रखना है, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1100 के नीचे, टारगेट रहेगा 1280। 1280 के ऊपर निकलते हैं तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा लगभग 1400 रुपये का, तो अच्छे खासे ऊपर की तरफ टारगेट बन रहे हैं। और यहाँ बेस बनाने के बाद रिवर्सल दिया है तो इस जो हफ्ते की कैंडल है वो दिखा रही लगभग 5% के गेन। लास्ट वीक हमने लगभग 1% का गेन दिखाया था और जो 50 वीक का एवरेज है उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, तो ये अच्छा खासा सिग्नल है। लास्ट टाइम इसने जब 50 वीक का एवरेज टच किया था आप देख सकते हो यहाँ, तो हम 540 पे ट्रेड कर रहे थे, वहाँ से हमने हाई लगाया था लगभग 1400 रुपये का, तो लगभग 3x गेन हमें देखने को मिले थे नेक्स्ट 2 ईयर्स में। तो यहाँ फिर से वही हो सकता है, यह रिस्क रिवॉर्ड जो है तो बहुत ही फेवरेबल है। जिन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है उनके लिए भी ये ट्रेड हो सकता है, मगर आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा। आपको जो है तो वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 1100 रुपये का, अगर उसके नीचे क्लोज हो जाता है स्टॉक तो आपको उस ट्रेड में से निकल जाना पड़ेगा। आपका जो टारगेट बनता है वो बनेगा 1700 रुपये का जिन्हें लेना है, मगर इसमें इस ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डीपर करेक्शन आया और हो सकता है कि आए, क्योंकि आगे चल के इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है वो मार्केट में पड़ सकता है और यहाँ लिक्विडेशन भी देखने को मिल सकता है। और अगर न्यूक्लियर वॉर की जैसा कुछ सिचुएशन डेवलप हो गई तो हमें अक्रॉस द सेक्टर सेल ऑफ देखने को मिलेगा, उस सिचुएशन में हम 700-800 के लेवल एचसीएल टेक में देख सकते हैं। अगर 700-800 के लेवल मिलते हैं
तो आपको बिल्कुल अच्छा खासा उस पर ओवरवेट जाना है इस सेल टाइप पे, ये तो लॉन्गर टर्म हो रहा है। तो जिन्हें लॉन्ग टर्म में एंट्री लेनी है उन्हें वेट करना चाहिए 700-800 के लेवल का, जब कभी भी आएंगे तब एंटर करना चाहिए। अभी फिलहाल आपको अगर ट्रेड लेना है तो आपका स्टॉप लॉस है 1100 के नीचे, टारगेट है 1280 और 1400 रुपये के, मीडियम टर्म में लॉन्गर टर्म में 1700 रुपये के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। डेली चार्ट देखते हैं तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने ब्रेकडाउन दिया था, ओवरसोल्ड रीजन से अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रही वहाँ जो है, तो अच्छा खासा बेस बिल्डअप करने के बाद हमने जो है तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है। तो अभी यहाँ जो है तो शॉर्ट टर्म में 1235 और 1280 के टारगेट जो हमने वीकली चार्ट पे देखा वो टारगेट बन सकते हैं। नीचे जो सपोर्ट है वो 1160 और 1140 के हैं। तो यहाँ जिन्हें शॉर्ट टर्म में ट्रेड लेना है उनके लिए सलाह रहेगी कि आप एक्यूमुलेट कीजिए 1140 और 1160 के बीच में आपको एंटर करना है इस सेल टेक में। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1120 के नीचे तो वहाँ आपको 20-30 पॉइंट की रिस्क है, और आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 1240 से लेकर 1280 का। तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड बैठता है। मगर आपको डिप्स पे बाय करना है, आपका एंट्री जोन होगा जो आपको एंट्री करनी है स्टॉक में वो एंट्री करनी है 1140 और 1160 के बीच में। तो 1150 पकड़ लीजिए ऑन एन एवरेज, और 1120 का जो है तो स्टॉप लॉस रखना है, और टारगेट 1240 और 1280 के टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन जो फ्यूचर ट्रेडर हैं उनके लिए भी सेम सलाह रहेगी। ऑप्शन ट्रेडर जो है तो उन्हें सलाह रहेगी कि एट द मनी जो ऑप्शन है डिप्स पे जब 1150 के अराउंड आता है स्टॉक, तो आपको 1150 का जो कॉल ऑप्शन है उस पर फोकस करना है, उसको डिप्स पे एक्युमुलेट करना है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1120 अगर स्टॉक, मतलब कैश में अगर स्टॉक 1120 के नीचे जाता है तो उस ऑप्शन में जो भी लॉस हो रहा होगा आपको वो लेकर निकल जाना है। अगर स्टॉक 1240 और 1280 पे जाता है तो उस ऑप्शन में आपको लगभग 2x to 3x गेन देखने को मिल सकते हैं। तो ऑप्शन में यस सेल टेक में ये ट्रेड बनता है, आपको एंटर करना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 1140-1160 के बीच में एंटर करना है, स्टॉप लॉस रहेगा 1120 के नीचे, टारगेट रहेंगे 1240 और 1280 के इन शॉर्ट टर्म। हमने मीडियम टर्म में भी देखा 1100 के नीचे स्टॉप लॉस, टारगेट बनेंगे 1280 और 1400 रुपये के। लॉन्गर टर्म में भी यहाँ रिवर्सल के साइन दिख रहे हैं। यहाँ जो है तो लॉन्गर टर्म में अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको स्टॉप लॉस सेम 1100 के नीचे रखना है, या फिर आप जो है तो पिछला जो मेजर लो था, तो पिछला मेजर लो था लगभग 1070, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है, और जो टारगेट बनता है वो 1700 का। मगर मेरे हिसाब से अगर आपको वैल्यू बाय करना है तो आपको वेट करना चाहिए 700-800 के लेवल का। अगर मिलते हैं तो एंटर कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक है मार्केट में। आपको निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स है, एक स्टॉक नहीं मिला तो दूसरे स्टॉक में अपॉर्चुनिटी रहती है, ऐसा कुछ नहीं रहता कि इस स्टॉक में ही एंट्री मिलनी चाहिए। हाँ, आप ट्रेड ले सकते हो, तो ट्रेड का सेटअप मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है फ्यूचर ट्रेडर के लिए भी और ऑप्शन ट्रेडर के लिए भी। तो आई होप सो कि ये जो एनालिसिस है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लाइव मार्केट में मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन माई प्रीमियम सर्विसेज, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.